पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आज अत्यधिक टेक्नोलॉजी की धोखाधड़ी के शिकार हुए एनडीसी के तौर पर तैनात कर्मचारियों ने कमिश्नर मुरादाबाद से मिलकर कंपनी की शिकायत की और न्याय की गुहार लगाई है। कंपनी के कर्मचारियों का कहना है कि अत्यधिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा सभी कर्मचारियों को मर्चेंट बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन उन सभी को पे स्लिप पर वर्क लोकेशन वेस्ट बंगाल दर्शाया गया तो ऑफर लेटर बेंगलुरु का दिखाया गया है, साथ ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी जमा कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि दो ब्लैंक चेक भी कंपनी के द्वारा जमा किए गए, लेकिन अब कंपनी के द्वारा सभी एनबीसी के पद पर तैनात कर्मचारियों के डॉक्यूमेंट नहीं दिए जा रहे हैं। लगभग 14,000 महिलाओं के द्वारा भुगतान किया गया किस्त का लगभग 4 करोड़ रुपया कंपनी ने गबन कर लिया, जिसकी वजह से महिलाओं की सिविल भी खराब हो गई है। कंपनी में तैनात रहे कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि अब सभी महिलाएं क्षेत्र में तैनात कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार हैं, जबकि कंपनी के द्वारा कर्मचारी और महिलाओं के साथ ये धोखाधड़ी की गई है। मिस्टर नेक सिंह से मिल रहे थे कमिश्नर साहब से, क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम ये थी कि हम माइक्रो फाइनेंस में काम कर रहे थे, अत्याधिक टेक्नोलॉजी पीवीटी लिमिटेड, पिछले 2 साल से कुछ एमबीसी, 2 साल से कुछ एमबीसी, 4 साल से भी काम कर रहे हैं। काम हमारा ये था, गरीब बेरोजगार महिलाओं को, ग्रामीण क्षेत्र की, उनको समूह बना करके छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के लिए 30,000 32,000 40,000 का लोन दे करके और उनको रोजगार स्थापित करा करके और लोन को वापसी किस्तों के रूप में वापसी करा करके कंपनी को भेजना था और कमीशन मिलती थी। आज कंपनी के लगभग 3 साल के अंतराल में पता चला कि जो हमने किस्तें पे कर दी ग्राहक से लेकर के, वो कंपनी के आला अधिकारियों ने दो दो तीन तीन ईएमआई गायब कर दी और आज हम शिकायत कर रहे हैं कंपनी के आला अधिकारियों से, तो कंपनी उस ईएमआई को जो गबन किया गया है रुपया उसको अपने कामों में लगा लिया और आज हम शिकायत कर रहे हैं तो उसको जो कस्टमर के खाते में सेटल करने के मूड में नहीं है, और जबकि ये कह रही है कि एमबीसी है ग्राहक दोबारा जमा करेगा और एमबीसी जमा नहीं करेगा तो एमबीसी को फंसा दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट ये भी पता चला है कि इस कंपनी के पास, अत्याधि टेक्नोलॉजी पीवीटी लिमिटेड के पास में उत्तर प्रदेश में बिजनेस करने का लाइसेंस ही नहीं है। ये ऐसे पता चला कि जो बहुत सारे एम्प्लायर हैं उनकी पे स्लिप देखी गई, सैलरी स्लिप, तो उस पर वेस्ट बंगाल शो हो रहा है, तो जब वेस्ट बंगाल शो हो रहा है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यूपी में कोई भी एम्प्लायर इनका है ही नहीं। अगर यूपी में एम्प्लायर होता, यूपी में बिजनेस करने का इनके पास आश्वासन होता, सरकार से एफिलिटी होती, तो उसका वेस्ट बंगाल ना आकर के उत्तर प्रदेश लोकेशन आती। तो इस प्रकार से अत्याधि पीवीटी लिमिटेड ने कम से कम कोई अनलिमिट टैक्स की चोरी की है राज्य सरकार की और भारत सरकार की, इसी के तत्वाधान में सारे एमबीसी, और एमबीसी हमारे कम से कम 3-4 जिलों के एमबीसी हैं यहाँ पे, और एमबीसीयों की संख्या भी 40 से 50 है, सारे एमबीसीयों के पास संकट मंडरा गया है, रोजी रोटी का भी और क्लाइंटों की सिविल खराब हो गई और जो गरीब महिलाएं हैं। कमिश्नर साहब से हमने अपना हलफनामा दिया है, अपना जो प्रार्थना पत्र दिया है, तो कमिश्नर साहब ने हमारी संभवतः मदद करने का आश्वासन दिया है और कंपनी पर शासन और प्रशासन से कार्रवाई करने का हमें पूर्णतः आश्वासन दिया है और हमें उम्मीद भी है कि कमिश्नर साहब हमारी मदद करेंगे। कंपनी के जो आला अधिकारी हैं इस समय जो एमबीसी को भड़काने का जो काम कर रहे हैं, फंसाने का काम कर रहे हैं और उनको डरा धमका रहे हैं, वो प्रीति जैन हैं, हेमंत कलिता हैं और राजेश जैन हैं। इन लोगों ने हेमेंद्र सर से और रितेश गुप्ता से काम करा करके उनको साइड, उनको सामने रख करके उनसे पैसा उगाही कराई है एमबीसीओ के द्वारा, और उनको पैसा लेकर के खुद लेते रहे हेमंत कलिता और प्रीति जैन और राजेश जैन, ये सारा पैसा लेकर के भाग चुके हैं। और राजेश जैन, हेमंत कलिता और प्रीति ये आज कंपनी के एमबीसीओ से बात करने तैयार नहीं है और इन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी ले रखे हैं ओरिजिनल, 21,800 रुपये पैसा भी ले रखा था आईडी को बनाने के लिए, ना तो वो पैसा वापसी कर रहे न असली डॉक्यूमेंट्स वापसी कर रहे। एमबीसी कुछ तो गरीब आदमी है, उनके तो डॉक्यूमेंट्स अगर उनके पास जमा है तो उनका तो कैरियर खराब हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं अपने सीनियर्स किसी एक्सपर्ट के द्वारा, उनसे बात करने तैयार नहीं है और सीधी धमकी दे रहे हैं कि आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपके साथ ये कर दिया जाएगा, आपको तबाह कर दिया जाएगा। तो हमारी पद पर, मैं एमबीसी पद पर, एमबीसी का मतलब होता है मर्चेंट और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, ये तो साहब बड़ी पोस्ट है इनकी। अब हमें तो ये भी पता नहीं किस किस पोस्ट में, अपर लेवल के हैं, लखनऊ बेंगलोर बैठते हैं, तो हमारे एमबीसी के असली डॉक्यूमेंट्स वापसी करे जाएं। 14,000 क्लाइंटों का रुपया गायब कर चुका है ये, प्रथम ईएमआई का वो उनके खाते में सेटल की जाए, उनकी सिविल सही की जाए।
ताकि उनको दूसरी जगह से कहीं से लोन लेने लायक वो हो सके, और एमबीसी को जैसे काम कर रहे थे वैसे ही या तो उनको काम करा जाए, काम पे लौटाया जाए, या उनके जो अधिकार हैं उनको वापसी करे जाए, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पैसा है, उनके साथ फ्रॉड हुआ है, उनको सही किया जाए। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।